मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है कि दीदी आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आज वही सब कर सारे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए मैं बैठी हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे होंगे, वो तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अपने बारे में बता चुकी हूँ। मगर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स शायद मेरे बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को आज बताया जाए कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि फ्रेंड्स मेरा मायका जो है वो सुल्तानपुर है और मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ मेरे मायके से। और रही बात मेरी क्वालिफिकेशन, तो सुल्तानपुर की इंटर तक की क्वालिफिकेशन मैं सुल्तानपुर में GGIC की हूँ, केश कुमारी राजकीय बालिका कॉलेज में मेरी स्टडी हुई थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैं राधा रानी से की थी सुल्तानपुर से ही। और मेरी एजुकेशन जो है वो MA BPA CCC और योगा है, और मैंने ये क्वालिफिकेशन किया है, मैंने सबको सुल्तानपुर से ही स्टडी किया है। और रही बात मेरे बच्चों की फ्रेंड्स, तो मेरे दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा इंटर फर्स्ट ईयर में है और मेरा छोटा बेटा हाई स्कूल में है। और अधिकतर आप लोग पूछते रहते हो कि आप क्या करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय पार्लर चला रही हूं, मैं रायबरेली में जहां रहती हूं। रायबरेली में मैं कहां पे रहती हूं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो रायबरेली के लोग यहां पे मुझे बहुत ज्यादा देखते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि रायबरेली से दीदी आप कहां पे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रायबरेली से प्रगतिपुरम के पास छजलापुर पड़ता है, मैं छजलापुर की निवासी हूं। और मेरा जो पार्लर है वो मेरे घर में ही है, मतलब मेरे अपने घर में ही पार्लर भी है छजलापुर पे, और वहीं पे मैं रहती भी हूँ। तो इसलिए ये चीज आप लोग बहुत बार बार क्वेश्चन करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आंसर किया। और फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि मैं केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्टूडेंट तो थी, मगर मैं अभी कुछ साल पहले, मतलब आज से 5-10 साल पहले, मैं वहां पे 3-4 साल टीचिंग भी की हूं, तो कुछ लोग वहां से भी मुझे जानते हैं। और मेरे हस्बैंड की बात अगर की जाए तो मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, और मेरी मम्मी जो है, जो मेरी मम्मी को अक्सर आप देखते रहते हो शॉर्ट्स पे, तो मेरी मम्मी का मायका जो है वो जौनपुर पड़ता है, और इसलिए वो जौनपुर की भाषा ज्यादा बोलती है। तो बहुत लोग लिखते हैं कि आप लोग पूर्वांचल से हो, पूर्वांचल से हो, तो मैं आपको बता दूं मम्मी जौनपुर की हैं, हम सुल्तानपुर के हैं और मेरे हस्बैंड रायबरेली के हैं, तो मिक्स मैच भाषा का समीकरण बनता है मेरे घर में। और जैसा भी है, और अब बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं, उनको आज मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी आपकी जो वीडियो होती है बहुत मोटिवेशनल होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं कि आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट दिए हैं, जो है मैं आज एक साधारण सी घर की लड़की यहां तक पहुंच पाई हूं। अगर आप लोग का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाती। और सच में बताऊं फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी 6 महीने में फेसबुक ने, यूट्यूब ने और इंस्टाग्राम ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इतना प्यार इतना सपोर्ट आप लोग ने दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।